आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण अध्ययन, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 15 का, जिसका नाम है मेरा घर और उनका घर। इसका हम पहला भाग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पाठ 15, मेरा घर और उनका घर। सीता पलंग पर लेटी थी कि अचानक उसकी नज़र बल्ब के पास घूम रही छिपकली पर पड़ी। सीता सोचने लगी, अरे हमारे घर में हमारे अलावा और भी जीव जंतु रहते हैं। उसने सोचा कि छिपकली हमारे घर में क्या कर रही है। तभी उसने अपने कान के पास मच्छर की भिनभिनाहट सुनाई दी। तो सीता नाम की एक बच्ची है, वो अपने पलंग के ऊपर लेटी हुई है तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है बल्ब के पास में, तो वहाँ पे उसको एक छिपकली दिखाई देती है और सीता सोचने लगती है कि ये छिपकली हमारे घर में क्या कर रही है और हमारे घर में हमारे अलावा जीव जंतु भी रहते हैं। वो ऐसा सोचती है तब तक उसके कान में एक मच्छर की भिनभिनाहट सुनाई देती है। सीता ने फिर नज़र घुमाई तो देखा एक चिड़िया छत पर लगी कुंडी पर आराम से सो रही है। वह सोचने लगी, यह चिड़िया दिन भर कहाँ रहती होगी, क्या जीव जंतुओं के हमारे तरह घर होते हैं। तो सीता ने फिर इधर उधर नज़र घुमाई तो उसे दिखाई दिया कि एक चिड़िया छत पे लगी कुंडी के ऊपर आराम से सो रही थी। तो वो और सोचने लगी कि चिड़िया दिन भर कहाँ रहती होगी और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उनके भी क्या हमारी तरह घर होते हैं या नहीं होते हैं। तो जीव जंतु जैसे गाय के लिए उसका घर बड़ा होता है, शेर का घर गुफा होता है, मुर्गी दबड़े में रहती हैं, चूहे बिल में रहते हैं, ये सब अलग अलग जीव जंतुओं के घर होते हैं। जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं वे पालतू जानवर कहलाते हैं। वे जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। ये हमें खुशी देते हैं तथा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। इन्हें हमारे प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें इन्हें पर्याप्त भोजन व साफ पानी देना चाहिए व समय समय पर पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। कुछ जीव जंतु होते हैं जिन्हें हम घरों पे पालते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, ये सब हम पालते हैं और ये जो जानवर होते हैं ये हमें खुशी देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे गाय और बकरी से हमें दूध मिलता है, भेड़ से हमें ऊन मिलती है, ऊंट से सवारी और घोड़े से सवारी करने को मिलता है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। हमें इन सभी जीव जंतुओं को जिन्हें हम पालते हैं उनको पर्याप्त भोजन और पीने के लिए साफ पानी देना चाहिए और समय समय पर हमारे पालतू पशु को चिकित्सक को दिखाना चाहिए, उसको पशु चिकित्सक जो होते हैं वो उसको दिखाना चाहिए। सीता ने घर के बाहर पेड़ पर देखा कि चिड़िया अपने घोंसलों में आराम से बैठी थी। वह सोचने लगे कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए घर बनाते हैं, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार घर बनाते हैं। जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती हैं वैसे ही अन्य जीव जंतु भी अपने घर बनाते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु जैसे मछली, मक्खी, मच्छर आदि के स्थायी आवास नहीं होते। तो सीता ने देखा कि घर के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, वो उस घोंसले के अंदर आराम से बैठी थी। तो वो सोचने लगी सीता की, हम अपनी ज़रूरतों के लिए घर बनाते हैं, हम अपनी ज़रूरतों के लिए घर बनाते हैं। तो वैसे कि वैसे जीव जंतु भी जो होते हैं वो भी अपनी आवश्यकताओं के लिए, उसके अंदर रहने के लिए, उनके बच्चों को रखने के लिए, सर्दी गर्मी बरसात से अपनी सुरक्षा के लिए वे भी अपने घर बनाते हैं। जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, मधुमक्खी का घर क्या होता है, उसका छत्ता होता है, वैसे ही ठीक अन्य जीव जंतु अपने घर बनाते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका कोई स्थायी घर नहीं होता है। जैसे छिपकली का कोई स्थायी घर नहीं होता है, वो कभी इस दीवार पर रहती है, कभी उस दीवार पर रहती है। मक्खी है, मच्छर है, इन सबके स्थायी आवास नहीं होते।
हमें जीव जंतुओं की आवश्यकता अनुसार सहायता व रक्षा जरूर करनी चाहिए। हमें जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, उनकी सहायता अनुसार उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करनी चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। और हमने इस पाठ के अंदर क्या सीखा उसमें हम आज आगे जानेंगे। हमारे घर में घर के सदस्यों के अलावा अन्य जीव जंतु भी रहती है। हमारे घर के अंदर घर के सदस्यों के अलावा अन्य जीव जंतु भी रहते हैं। हम सभी घर के अंदर देखने को मिलता है, चींटी है, छिपकली है, चिड़िया है, ये सब रहती हैं। इनमें से कुछ पालतू होते हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा आदि। कुछ पालतू जीव जंतु होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हमारी जो ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो कौन कौन से? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, ये सब। गाय, बकरी, भैंस में क्या देती है? दूध देती हैं। घोड़ा सवारी के काम आता है। कुछ जीव जंतु हमें नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कॉकरोच, छिपकली, चूहा आदि। और कुछ जीव जंतु होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कॉकरोच होता है, छिपकली होती है, चूहा होता है। ये जीव जंतु हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।